जब मेरे महबूबे पाक की विलादत थी ना, तो हजरत सय्यदा आमना पाक ने हमें बताया कि कभी कोई बुजुर्ग आते और वो अपना तारुफ यूं करवाते कि मैं अल्लाह का नबी आदम अलैहिस्सलाम, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूं कि तेरी गोद में जो आने वाला है ये हमारा सरदार है नबियों का, हाँ जी हमारा सरदार है नबियों का। और कभी हजरत नूह आते हैं, कभी कोई नबी आता है, सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम सय्यदा आमिना की चौखट पे और उस दरवाजे पे आते हैं और उनके पास आते हैं, उस वजूद मसूद के पास आते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। भाई जहाँ नबियों का आना जाना हो उस बीबी की क्या शान हो, जहाँ नबियों का आना जाना लगा रहता हो, कभी आदम आ रहे हैं तो नूह कभी आ रहे हैं, आदम जा रहे हैं, कभी इब्राहिम आ रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये आना जाना लगा हुआ है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, कहाँ से आए हो जी बीबी आमना के पास, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भाई जिनका नाम नबियों की जुबानों पर अल्लाह ने जारी फरमाया वो उस माँ की अजमत को मेरा सलाम सलाम, और उनको वो बताते हैं कि तेरे पास जो आने वाला है ये नबियों का इमाम है। तो सय्यदा आमिना पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा की ये शान है। देखिए ये कानून है, कानून क्या है कि ये जो पत्थर है ये अंबिया के कदमों के नीचे नरम होते हैं, पत्थर गैर नबी के कदम के नीचे नरम नहीं होता, पिघलता नहीं, अपना नक्श जिस तरह नबी पाक का नक्श कदम है पत्थरों पे, ये सबका नहीं होता। और कभी क्यों नहीं हुआ किसी का, इतने लोग पत्थरों पर गुजरे हैं, ये नबी पाक का ही नक्शे कदम क्यों है? इसलिए ये उसूल है कि पत्थर हर किसी के लिए नरम हो के अपने सीने पर उसका नक्शे कदम नहीं ले लेता, ये अंबिया की शान है। सय्यदा आमिना पाक फरमाती जब मेरे महबूब हमारे नबी सय्यद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतने अतहर में थे तो जब मैं चलती थी तो पत्थर मेरे कदमों में नरम हो जाया करते थे, ये और बादल मेरे सर पे साया करता था, पानी लेने के लिए कुएं पे खड़ी होती तो पानी जोश और मोहब्बत और वलवले से ऊपर आ जाता। तो ये सय्यदा आमिना पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा है, कैसा वजूद मसूद है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं अनशकुर ली वाले वाले दईक, ऐ महबूब मेरा भी शुक्रिया अदा कर, अपने माँ बाप का भी। वो एक अरबी में वो जब हम पढ़ते हैं ना अरब की तारीख को, तो एक अरबी बुजुर्ग थे, उसने अपने बेटे से कहा भाई बात ये है कि तेरे ऊपर मेरा एहसान कोई नया नहीं है कि मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें पढ़ाया है, सिखाया, मेरा तेरे पैदा होने से पहले भी तेरे ऊपर बड़ा एहसान। उसने आगे से पूछा कि अब्बा जी जो मैं जमया ही नहीं सी तो उदो ता मेरे से कादा एहसान, फरमाया पुत्र तेरी मैंने जिस माँ से तूने पैदा होना था रिश्ता ऐसी मोहब्बत और मेहनत से तलाश किया है, तू जमाने में फख्र कर सके कि वो मेरी माँ है, माँ है। हाँ हाँ अरब में तू जहाँ खड़ा हो और तुझे जब चार बंदों में कहीं खड़ा होने का मौका मिले तो तुझे फखर हो, यार मेरी माँ कोई आम नहीं फलां खानदान की है। तो बाबे गरम अगर अरब की ये बात है तो यही वजह थी कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ललकर के उस अरब के माहौल में और जहाँ पर इस तहारत और पकीजगी को बड़ी मेहनत से ढूंढा जाता था, उस दौर में बड़ी तवज्जो से ढूंढा जाता था पाकीजा औरतों को, बड़ा एक मरहला था पाकीजा औरतों की तलाश, तो लल करके मैदान में खड़े होके जो फखर से कहता है कोई मेरी माँ जैसी, है किसी का नसब मेरे नसब जैसा, तो ये फखर सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम को हासिल है। तो इसलिए अहबाब गरामी कदर मेरा सलाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कि ये सय्यदा आमिना पाक हजरत सय्यदना अब्दुल्ला अलैह सलाम मेरे नबी पाक के जो वालिदे गरामी हैं, ये अल्लाह के चुनीदा लोग, इनको अल्लाह ने चुना हुआ है अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए, मेरे नबी के फख्र के लिए, मेरे महबूब के मुकाम बुलंद के लिए इनको चुना हुआ है।